हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। रिया रिचा और काना गए हैं स्कूल, अभी आई नहीं है। तो बस पूरा काम कर रूम दोनों क्लीन कर और नहाकर कपड़े वगैरह धोकर अभी पूजा कर आई हूँ जस्ट। और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर मेरी दाल उबल चुकी है और अब मुझे रखना है चावल और फिर देखते हैं क्या सब्जी बनाते हैं। सब्जी में बनाएंगे हम गमार फली। फली मैंने काट ली है, तो यहाँ पर मैं आलू काट लूंगी और फली मैंने काट ली है क्योंकि जल्दी से सब्जी और बना ले। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आलू काट रही हूँ क्योंकि जो फली कल ये लेकर आए थे तो कल रात में मैं जब फ्री हुई खाना वगैरह से तो हमने काट ली थी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं रहता है तो हेल्प हो जाती है जल्दी जब कटी सब्जी रखी हो तो बस बनाना ही रहता है। और ये फली में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो मैं ऐसे भाजी हो या फली ये रात में ले आती हूँ तो मैं रात में ही काट कर रख देती हूँ। और आलू सुबह ही काट लेनी, रात में काट के रखेंगे तो काले हो जाते हैं इसीलिए। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, तो बस प्याज मैं छील कर और चॉप कर लूँगी। ये बहुत अच्छी चॉपर है जिसमें मतलब जिस हिसाब से आपको चाहिए उसी हिसाब से प्याज कट सकती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं लगती और बहुत जल्दी से कट जाती है प्याज। मुझे तो बहुत पसंद आई ये। और ये देखिए, मुझे तो बस काट कर डालने में उसमें इतने में आंसू आने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं मुझे प्याज काटने में। लेकिन अब ये है तो इससे मैं जल्दी से काट लेती हूँ, इतने आंसू नहीं आते हैं। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खा लो, अभी खराब नहीं हुई, हमने खा ली तो हम नहीं, अच्छी लग रही है जैसी थी ना वैसा ही टेस्ट है, सिर्फ चाश नहीं हो गई कटती। हमसे कभी नहीं नहीं मत। ये देखिए कितनी अच्छी कट गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिया रिचा आ गई थी तो मैं उन्हीं से बोल रही थी, क्योंकि रिया मेरे से पूछ रही थी कि काना स्कूल किसके साथ गया है, क्योंकि अभी इसका ऑटो नहीं लगा और उसके पापा आज घर पर नहीं थे, तो बस नहीं तो वो ही छोड़ कर आते हैं और लेकर भी आते हैं। तो ऑटो वाले अभी आ नहीं रहे क्योंकि दो दिन ही जाता है हफ्ते में वो स्कूल, ट्यूसडे और थर्सडे, तो बस इसीलिए तो मैं वही उसको बता रही थी कि आज तो वो अपने फ्रेंड के पापा के साथ गया है क्योंकि उसके पापा उसको छोड़ने जा रहे थे, तो उसने बोल दिया था। तो वो बोलने लगे हाँ मैं आपको छोड़ दूँगा। तो बस यहाँ पर रिया गुस्सा हो रही थी कि मैं लेने नहीं जाऊँगी अब उसको, क्योंकि उसके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी स्कूल से आई है और नहाएगी और खाना खाकर और फिर उसको जाना है कोचिंग, तो पढ़ने के लिए भी अभी उसको टाइम नहीं है। तो वो यही बोल रही है कि लेने जाऊँगी तो फिर मैं कोचिंग के लिए लेट हो जाऊँगी। तो मैं और रिचा उसको चढ़ा रहे थे कि नहीं तुझको ही जाना है, तो बस वो चिढ़ भी रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। और शाम को 5:30 तक आती है, इसके बाद चाय वगैरह पीगी, होमवर्क करेगी, और उसके पास मतलब इतना भी टाइम नहीं है पढ़ने, रात में जितना भी हो सके उतना पढ़ती है, फिर सुबह उठ कर स्कूल जाना है उसको। फिर लेकिन रिया सोच रही होगी कि मतलब मुझे ही लेने जाना है, तो फिर रिचा ने कहा अगर नहीं आएगा उसके फ्रेंड के पापा के साथ वो तो मैं लेने चली जाऊंगी, लेकिन रिया यही सोच रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा। तो बस फिर लेकिन आज वो उसके पापा के साथ क्या पता आएगा कि नहीं, नहीं तो फिर उसको जाना ही है। साइकिल से जाती हैं, वो लोग भी तो थक जाती हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि स्कूल भी दूर है, यहाँ से पास में नहीं है इसीलिए।
और ये देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी, मैंने प्याज डाल दी है, प्याज हो भी गई है। और उसके बाद डाल दिया है मैंने मसाला। अब फ्रेंड्स मसाले में वो ही डाल दिया बस आलू, और वो डाल दूंगी फली, क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है। आप तो देख सकते हैं कितने अच्छे से उसने तेल भी छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पर मैं आलू और फली डाल दूंगी, क्योंकि आज मैंने तेल ज़्यादा डाला है, क्योंकि सूजी की सब्ज़ी में तेल ज़्यादा ही लगता है, लेकिन इनके पापा को पसंद नहीं है ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं बहुत कम तेल डालती हूँ। लेकिन आज तो डालना पड़ा, क्योंकि तेल नहीं डालेंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, सूखी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा पड़ता ही है। और ये देखिए यहाँ पर मैं मसाला और अच्छे से मिला दूँगी। ये देखिए हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और बीच में देखती भी जाऊँगी कहीं लग नहीं जाए नीचे। और यहाँ पर लगा दूंगी मैं दाल में तड़का। तो आज हम दाल में तड़का देसी घी का लगाएंगे, क्योंकि रिचा की फरमाइश है कि देसी घी का तड़का लगाएं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर देसी घी का तड़का लगाऊंगी दाल में। तो मैंने बस 2 छोटी चम्मच से देसी घी ले लिया है। और ये देखिए हमारा तेल घी सॉरी गर्म भी हो चुका है। तो अब इसमें मैं एक छोटी सी प्याज ही डाली है, ज़्यादा नहीं प्याज डाल दूंगी, और जीरा डाल दिया है। क्योंकि उसको बहुत पसंद है, यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी और डाल दिया, क्योंकि प्याज में थोड़ा मतलब भूंजने के लिए तो हो इसीलिए। और बस यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च और डाल दी हैं। और कुछ काम चल रहा है तो आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करें। और यहाँ पर ये प्याज वो हो रही है, जब तक मैं सब्जी को देख लूँगी, नहीं तो ये नीचे से लग जाए। तो वैसे सब्जी हो चुकी है हमारी, तो अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी। और ये देखिए हमारी प्याज भी यहाँ पर हो चुकी है, तो इसमें बस टमाटर डाल दूँगी मैं। और टमाटर में मैं कोई भी मसाला ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालना है, क्योंकि ज़्यादा मसाला डालेंगे तो अच्छी नहीं लगती मुझे दाल घी में। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाला ही डाला है मैंने। और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें दाल। और ये देखिए हमारी दाल का कलर कितना अच्छा आया है, और बहुत टेस्टी बनी हुई थी। आप भी इस तरीके से ज़रूर तड़का लगाएं। और इसके बाद यहाँ पर मैं सेक लूँगी रोटी, क्योंकि चावल भी मेरे बन चुके हैं, मैंने चावल रख दिए थे दाल के बाद, तो बस चावल हमारे बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर रोटी सेक दूँगी, बच्चे तीनों आ चुके हैं, खाना भी आ गया है उसके फ्रेंड के साथ। रिया लेने जा ही रही थी कि लेकिन इसके पहले ही वो आ गया। तो बस यहाँ पर क्या पता क्यों ये काला काला हो रहा है बार बार, तो मैं यही देख चेक कर रही थी मोबाइल में। और बस यहाँ पर मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और ये वाला गैस पे से मैं हटा लूँगी, क्योंकि उसमें उस वाले गैस में क्या पता क्या अभी कोई दिक्कत आ रही है, कि मतलब स्लो करो तो वो बंद हो जाता है, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं जल रहा, कोई दिक्कत आ रही है उसमें, कुछ भर गया है या तो मैं ये इनसे बोल रही थी कि मतलब साफ़ करवाना है उसको। तो बस अभी हम उनको बुलाएंगे गैस वाले भैया को, तो फिर ये गैस दिखवाना पड़ेगा, उस वाले गैस में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि या तो स्लो करो तो बंद हो जाता है, या फिर ज़्यादा जिस तरीके से जलता था तो उस तरीके से जल भी नहीं रहा है वो। अब मैं बुलाकर उनको चेक करवाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मेरी रोटी भी सूख चुकी है, अब बच्चों को मैं खाना दे देती हूँ। ये देखिए हमारी थाली लग चुकी है, दाल चावल और गमार फली की सब्जी और रोटी। आ जाइए जिसको भी खाना है।
और रिया की तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी, तो वो तो बहुत अच्छे से खाएगी, आप लोग भी खाइए ज़रूर से ज़रूर। तो ये मैं रिया चा को देकर आती हूँ। मेरा खाना बन चुका है आज का, और यहाँ पर देखिए मैं खाना लेकर आई थी तो ये गौरी और मुनिया आ गई हैं। ये खड़ी हुई थी क्योंकि धूप है, तो मैं वही देख रही थी। रिचा से बोले थे खाना खा लो। फ्रेंड शादियाँ आ गई हैं, तो बस मैं वो ही देख रही थी कि मतलब गौरी बैठी है कि नहीं, क्योंकि हमने मुनिया को बांध लिया है तो गौरी है या नहीं। शाम को हम बांध लेती हैं मुनिया को। और ये देखिए बैंड बाजों की आवाज़ से गौरी उठकर भी चली गई है। यहीं पास में हमारे पड़ोसी हैं, उनकी ये भैया की शादी है। और यहीं पर करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। कल मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। बाय।